हेलो, स्वागत है आप सभी का सवाब लिबास के एक और नए मजेदार एपिसोड में। तो हम वापस से आ चुके हैं एक नए मजेदार एपिसोड के साथ में, और आज का एपिसोड ना काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हमको काफी सारे चीजें करनी है। सबसे पहले तो अभी अपने को एक जेट पैक बनाना है। जेट पैक इसलिए बनाना है ताकि हम किधर भी एकदम आसानी से और एकदम फास्ट ट्रेवल कर सके। अभी मैं अपने आरजी के ऊपर किसी खतरनाक लोकेशन के ऊपर कभी जा रहा हूँ तो मेरे को एक ही डर रह रहा है कि बस अपने आरजी को कोई अटैक ना कर दे, क्योंकि वो एक ही डायनो है मेरे पास में जो इसकी लेवल काफी ज्यादा है और उसको काफी मेहनत से अपन ने ये लेवल तक पहुंचाया है। मतलब 154 लेवल के आसपास मैंने उसको कुछ टेम किया था और अभी वो 163 लेवल के ऊपर चला गया है, तो मैं उसका रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बढ़िया वाला जेट बना लूं जिससे मैं खुद ही आसमान में उड़ता रहूं बगैर किसी टेंशन के। और उसके साथ में ना एक सोलगन बनानी है। सोलगन इसलिए बनाने क्योंकि अगर मैं किधर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और वो कंस्ट्रक्शन मेरे से गलती से हो जा रहा है तो उसको पिक करने के लिए ना मेरे को कुछ सेकंड्स मिल रहे हैं। और उससे हो रहा यह है कि कभी हम लेट हो जा रहे हैं तो फिर ये एक चीज अगर यहाँ पर प्लेस हो गई तो उसको बनाने के लिए जितने हमने रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे थे सब के सब वेस्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए अपने को एक सोलगन बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके साथ में एक ऑसम स्पाई ग्लास बनाना है ताकि दूर से ही हम डायनो का लेवल और हर एक चीज चेक कर ले। और भी काफी सारी चीजें करनी है मगर सबसे पहले ना एक सोलगन बनाते। सोलगन बनाने के लिए अपने को एक पत्थर की जरूरत पड़ेगी, तो फटाफट से जाते हैं इनग्राम पॉइंट्स के अंदर और सबसे पहले ये गन को करते हैं अनलॉक। उसके बाद में एक ऑसम स्पाई ग्लास को, एक कुकिंग पॉट को, क्योंकि अपने को इसके अंदर काफी नई रेसिपीज अभी बनानी है क्योंकि अब थोड़े से हम एडवांस लेवल के डायनासोर्स को टेम करने वाले हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, अपने को एक स्टोन पंप बनाना है जिसके लिए 25 इनग्राम पॉइंट्स लग रहे, तो एक स्टोन पंप को अनलॉक कर लेते हैं। उसके बाद में क्ले पंप को, मगर ये सारी की सारी चीजें बनाने के लिए, स्टोन पंप को मेरे को बनाने के लिए ना 200 सीमेंटिंग पेस्ट, 150 हाइट, 250 इंगट, ऑयल 150, स्टोन 400 और वुड 100 लगने वाला है, जो के काफी ज्यादा रिसोर्सेज है जिसको जमा करने के लिए ना अच्छा खासा टाइम लगेगा। वैसे स्टोन और वुड तो मेरे पास में भर भर के पड़ा हुआ है। और उसके साथ में अनलॉक करेंगे एक ऑब्सिडियन पंप, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है ऑब्सिडियन पंप भी अपने को बनाना क्योंकि कब तक हम मैनुअली काम करेंगे। और उसके साथ में एक ये रहा अपना जेट पैक और ये रहा जेट पैक का कंट्रोल। जेट पैक बनाने के लिए 100 गैसोलीन, 200 इंगट, 40 ऑयल और पॉलीमर चाहिए 50, जो कि काफी ज्यादा है मगर टेंशन की बात नहीं है, मेरे पास में काफी सारी चीजें ऑलरेडी रेडी पड़ी हुई है। और ड्रैगन सैडल के बाजू में अपने को ऑयल पंप भी दिख गया, मतलब ये सारे के सारी चीजें लगा देंगे ना तो अपना टेंशन खत्म हो जाएगा। मगर अभी मेरे पास में ना इसको बनाने के लिए ऑक्सीडन की कमी होगी, बाकी सारी की सारी चीजें अपने पास में पड़ी हुई है। तो सोलगन बनाने के लिए पत्थर की जरूरत थी तो हमने पत्थर उठा लिया, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं क्राफ्ट। और ये बन के रेडी हो चुका है, इसको मैं एक काम करता हूँ इन्वेंट्री के अंदर रख लेता हूँ। और ये बंदूक निकाल करना, सबसे पहले चेक करेंगे कि दीवार को हम उठा सकते हैं, और हमने उठा लिया भाई। मतलब इसके अंदर से कुछ आवाज नहीं आया। अरे यार, मैंने ऊपर का हटाने से पहले फाउंडेशन हटा दिया और इतनी सारी दीवारें फेस्ट हो गई, तो पहले ऊपर का हटाएंगे। अबे यार मैं क्या करूँ। खैर, नए नए हम सोलगन के ऊपर, तो धीरे धीरे करके अपने को सारी की सारी चीज़ें ना समझ में आ जाएगी भाई। ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और मेरा वेट अगर देखोगे तो वेट अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका है और हो ही रहा है धीरे धीरे करके, मगर चलता है। हम अब गलती से कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर कर दे तो उसको एकदम आसानी से कहीं पर भी उठा कर लेके चले जाएंगे। और भाई साहब देख रहे हो, यहाँ पर जितनी चीजें थी वो सारी की सारी मैंने उठा लिया, मगर मेरे पास में ना वेट काफी 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 ज्यादा हो चुका है। मगर खैर, ये तो अपनी टेस्टिंग थी, बस मेरे को एक चीज ये चेक करनी है कि मैं डायनासोर को अपने जेब में रख सकता हूँ या नहीं। तो कुछ देर के लिए ना एक काम करता हूँ, ये फाउंडेशन को, दीवार को, रैम को और विंडो को ना इधर फेंक देते है, ठीक है। और आते है डायनासोर के पास में और इसको मैं उठा सकता हूँ। डायनासोर को नहीं उठा सकता यार, डायनासोर को भी उठा सकता तो फिर कितना मजा आ जाता। मतलब इसको उठा के सीधा हम जेब में डाले, क्राइपॉड का तो झंझट ही खत्म हो जाता। खैर दिक्कत नहीं है, सोलगन तो हमने बना ली काफी ज्यादा आसानी से। अब चलते हैं जेट पैक की तरफ और ये जितने रिसोर्सेज मैंने उठाए उन्हें सारे के सारे रिसोर्सेज अपन घर पर रख देंगे। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना सारा का सारा फाउंडेशन, रैम वगैरह वो सारा का सारा इधर रख देता हूँ। और अपने को एक चीज याद रखनी, क्या सिलिका पल अपन ने यहाँ पर रखा है यार, मैंने सामान पूरा का पूरा फैला के रख दिया हूँ, मतलब हर जगह मेरा पसारा फैला हुआ है। अभी अपने को चाहिए जेट पैक बनाने के लिए
100 गैसोलीन, 200 इंगट, 40 ऑयल और 50 पॉल्यूमर। तो सबसे पहले 100 गैसोलीन और 200 इंगट अपन अपने पास में रख लेते हैं। तो 200 इंगट रखने से पहले ना यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो मेरे पास में ऑयल काफी ज्यादा, कच्चा ऑयल पड़ा हुआ है। यहाँ पर इंगट्स काफी ज्यादा है, मगर यार इतना सामान मैं अपने पास में रखूंगा तो फिर हिल नहीं सकूंगा ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने जितना ऑयल मेरे पास में पड़ा हुआ था ना उसका गैसोलीन बनाने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर गैसोलीन बन के रेडी हो चुका है। तो फटाफट से एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना सारा का सारा गैसोलीन रख देते हैं अपन, ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर। तो इस बॉक्स के अंदर इंगट और ऑयल का काम हो गया, सिर्फ इसके अंदर अभी अपने को रखना है पॉल्यूमर। तो पॉल्यूमर हमने लास्ट टाइम बनाया था फैब्रिकेटर पे, तो शायद पॉल्यूमर अपने को यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ऑयल पड़ा हुआ है, गैसोलीन मतलब, और ये वायर वगैरह मैंने काफी सारे बना के रखे थे तो वो यहाँ पर ही रखे हुए। कच्चा ऑयल अपने को मिल गया, कच्चा ऑयल ले लेते थोड़ा सा। और उसके बाद में यहाँ पर अगर देखोगे तो 90 भाई साहब 90 पॉल्यूमर यहाँ पर पड़े हुए ना, तो अपने को 50 का नीड है ना। तो एक काम करता हूँ, इसमें से नाम 50 अलग कर लेते हैं और जो बचा कुचा पॉल्यूमर है ना वो यहाँ पर रख देंगे। और सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर 100 पॉल्यूमर और पड़ा हुआ है, मतलब सारी चीजें लगभग अपने पास में रेडी थी। तो पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पर रख देते हैं, तकरीबन सारी चीजें आ चुकी है। तो अब ये फटाफट से ना पूरा का पूरा सामान मैं अपने इन्वेंटरी में ले लिया भाई। इधर 300 इंगट आ गए, हमको सिर्फ और सिर्फ 200 इंगट का नीड है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो सारी की सारी चीजें रेडी हो चुकी है। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं क्राफ्ट, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जेट पैक पहनकर उड़ने में। तो ये क्राफ्ट हो चुका है। और एक और चीज, नए आए हो चैनल पे, एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करोगे तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आते रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर चेकआउट करो। मैं सेकंड चैनल पर भी बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ। और एक काम करता हूँ, जेट पैक जब हमने बना लिया है तो जेट पैक को रखेंगे कहाँ पर? और मैंने जेट पैक को पीठ पर लगा दिया है। और एक सेकंड, ओ भाई, अबे भाई ये तो मतलब काफी ज्यादा है। ओ हो, हम इसकी इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है, मगर अब हम हवा में उड़ पा रहे हैं और जाते जा रहे हो भाई। एक काम करते, एकदम टॉप पर जाते हैं। पहले तो एक सेकंड, ये एक चीज मेरे को ये चेक करनी है, ये चल रहा किस चीज के ऊपर है? तो ये शायद से चल रहा है कच्चे वाले ऑयल पर, मगर मेरे को ऐसा लग रहा है ना इसके लिए अपने को गैसोलीन अपने पास में इन्वेंटरी के अंदर रखना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। और काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से चल रहे हैं भाई हम। बस 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 कर ले बेटा, रुक जा 2 मिनट, तेरा रिमोट भी ना मैं बना कर रख ही लेता हूँ। इसको ना अपन इधर रख लेते हैं और शील्ड को ले लेते हैं हाथ में। काफी बढ़िया तरीके से उड़ रहे हैं। अब रिमोट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए अपने को वो चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो जेट पैक का कंट्रोलर बनाने के लिए सिर्फ 50 इंगट चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, 20 क्रिस्टल चाहिए। ये तो काफी ज्यादा सिंपल सामान है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने जस्ट अभी ऊपर फैब्रिकेटर पर देखा था, तो यहाँ पर अपने को क्रिस्टल भी मिल गया काफी ज्यादा, और उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल गया। और इतने ज्यादा वेट के साथ क्या मैं उड़ सकता हूँ? पहले चेक कर लेता हूँ मैं हिल पा रहा हूँ। यस, मैं हिल पा रहा हूँ। तो फिर जेट पैक लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक आ जाते हैं। बस हम बस ये स्टोरेज से ले लेते हैं कुछ इंगट और यहाँ से क्राफ्ट कर लेते हैं एक बढ़िया वाला कंट्रोलर, जिससे हम अपने जेट पैक को कंट्रोल कर सकेंगे। और उसके साथ में ना मेरे पास में जितना भी क्रिस्टल है वो इधर ट्रांसफर, पॉल्यूमर, इंगट, इलेक्ट्रॉनिक सारा का सारा ना यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ। हम कभी भी मर जाते हैं, हमारा कुछ भरोसा नहीं है। तो बाहर आते फटाफट से, पिनाते अपने बंदे को जेट पैक। और रिमोट कहाँ पर दूंगा मैं? सो रिमोट कहाँ पर आएगा वैसे? या फिर एक काम करता हूँ, रिमोट को मैं रख देता हूँ यहाँ पर 0 पे। ठीक है, ये निकाला मैंने रिमोट। अच्छा, तो कंट्रोलर से होता ये है कि हम चालू बंद कर सकते हैं। चलो एक हवा में उड़ के आते फटाफट से राउंड मार के। मेरे पास में ना वेट काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं स्पीड में नहीं जा पा रहा हूँ ना। तो एक काम करता हूँ, इन्वेंटरी के अंदर ना वेट रख देता हूँ और इधर करता हूँ मैं इसको बंद। ओहो भाई, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। एक काम करता हूँ फटाफट से ना, यहाँ पर तो कितना चारकोल वारकोल पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं हम। ठीक है, पेट भर जाएगा। और बाकी का पूरा सामान ना कुछ देर के लिए यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। अब हमारे पास में अगर देखेंगे तो अब हमारे पास में ऑफिशियली कुछ भी सामान नहीं है, तो शायद मेरे ख्याल से मैं उड़ पाऊंगा एकदम स्पीड में। तो 1, 2 और 3। ओ
भाई साहब काफी ज्यादा बढ़िया बात है कि अब हम एकदम आसानी से उड़ पा रहे हैं और रिमोट कंट्रोल अच्छा हुआ मैंने बना लिया, वरना हमारा डीजल पेट्रोल ना खामखा ऐसे ही वेस्ट होता रहता। चलो ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। अब एक चीज अपने को ये करनी, जो सामान रखा था ना चुपचाप से वापस इन्वेंटरी में रख लेते, कहीं भूल के निकल गए ना अपन यहाँ से, तो हो गया काम। और यहाँ पर कितना गैसोलीन बन के, भाई इतना सारा गैसोलीन बनकर रेडी हो गया। तो एक काम करता हूँ, इसको उड़ने के लिए गैसोलीन की जरूरत पड़ती है ना, तो 20 गैसोलीन में मेरे पास में रहने देता और बाकी का इधर ट्रांसफर वापस रिटर्न तो नहीं होगा ना। चलो दिक्कत ही नहीं, तो बाकी का गैसोलीन को भी ना जो काम काम की चीजें वो इधर ही रहने देता हूँ। अब बारी है औसम स्पाई ग्लास बनाने की, और अभी रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है, तो रात भर ना हम कंस्ट्रक्शन ही करते हैं। तो औसम स्पाई ग्लास बनाने के लिए 2 क्रिस्टल, 10 फाइबर, 10 हाइड और 5 वुड चाहिए, मतलब इसको तो कुछ चीजों की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। तो सब जगह देख लिया मैंने, मगर मेरे को ना फाइबर नहीं मिला और मेरे पास में अभी वेट काफी ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा उड़ के ही चलते हैं, दिक्कत नहीं है। ए बेटा सामान दे दे, फाइबर तो होगा तेरे पास में, बताना जरा फाइबर है बंदे के पास में, फाइबर कैसा नहीं है यार, ये हैच है, वुड है, बेरीज है, सारा का सारा सामान है, फाइबर नहीं है बस। खैर आगे से उठा के लेके आते, एक काम करता हूँ ना मैं यहीं से उठा लेता हूँ, यहाँ से अपने को फाइबर मिल जाना चाहिए थोड़ा सा। चलो तो 98 फाइबर मैंने जमा करा हूँ, मगर पता नहीं कितना फाइबर लगने वाला है, इन्वेंट्री इज टू हैवी, ओके समझिए मैं। चलो रात का टाइम हो गया है, बस थोड़े से हाइट की हमको कमी हो रही है, तो हाइट मेरे ख्याल से मोर्टार एंड पेस्टल के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई सीमेंटिंग पेस्ट तो हमारे पास में भर भर के पड़ा हुआ है, हाइट शायद से मेरे को बाहर किसी डायनो के अंदर मिल जाए। आज बेटा तेरे पास में थोड़ा सा हाइट हो तो दे, चल 40 मिल गया हाइट, भाई काफी ज्यादा है। तो अब मैं ऑसम स्पाई ग्लास बना सकता हूँ, और ये हमारा स्पाई ग्लास बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको रखता हूँ मैं नॉर्मल वाले स्पाई ग्लास से ना रिप्लेस करता हूँ, और निकालते हम ये वाला स्पाई ग्लास। और भाई ये तो ऑसम स्पाई ग्लास, मतलब तकरीबन सभी चीजें बता रहा है, मतलब देख रहे हो यहाँ पर। ओहो एक काम करता हूँ मैं, ये सारी की सारी चीजें ना तुम लोगों को दिन में बताता हूँ, अभी थोड़ा सा हम इंतजार करते हैं। A few moments later. तो हो चुकी है एकदम प्यारी सी सुबह, और अभी का सीन काफी ज्यादा यार। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास में ना वेट काफी ज्यादा है ना अभी, तो और चीजें अपने को कुछ बनाना है नहीं शायद, तो जो सामान मेरे पास में पड़ा है ना वो सारा का सारा रख देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट हो गया है। क्रिस्टल, लकड़ी, बैर, फाइबर, हाइट, और कुछ है और कुछ नहीं। चलो अब हो चुके हैं हम लाइट वेट, पहले तो जाकर पानी पीता हूँ काफी ज्यादा। आ हा हा, अब लग रहा है अपने दिल को सुकून। अब करते हैं ऑसम स्पाई ग्लास को चालू, और यहाँ पर अगर देखोगे तो ऑसम स्पाई ग्लास से मेरे को सारे के सारे क्रिएचर दिख रहे हैं, और इनको मैं जूम कर करके भी देख सकता हूँ। ये डोडो देखो कितनी ज्यादा दूर का डोडो मेरे को दिख रहा है, और सिर्फ जमीन ही नहीं, मेरे को पानी के अंदर कौन सी चीजें वो भी दिख रही है। ये मछली का नाम, मतलब भाई साहब ये मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बनाया ऑसम स्पाई ग्लास। काफी ज्यादा ऑसम स्पाई ग्लास बनाने में हम देरी कर दिया, और उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ वो ही नहीं, अपने को दीवारें, डोर कौन सा है, हर एक चीज, इसकी हेल्थ, हर एक चीज बराबर से शो हो रही है। और ये चिड़िया को अगर देखे, ओ भाई साहब ये कौन सी चिड़िया है, 52 लेवल की चिड़िया है, मेल है, वाइल्ड है, टेमेबल है, इसका टॉर्पर मीटर भी शो कर रहा है। एक काम कर देना, चलो जेटपैक है मेरे पास में, सारा का सारा सामान है, तो क्यों ना हम उड़कर एक जंगल का राउंड मार के आए हैं। भाई साहब मेरा बंदर तो बोल रहा होगा कि मालिक पागल तो नहीं हो गया, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है मगर काम चला लेंगे, कम से कम हवा में तो उड़ पा रहे हैं हम, कहीं से भी अब किधर भी जा सकते हैं। इससे बस एक चीज का खतरा हमको नहीं है बिल्कुल भी, वो ये है कि अगर मैं किधर खतरनाक जगह पे जा भी रहा हूँ तो मेरे को किसी भी चीज का टेंशन नहीं है, क्योंकि हमेशा किधर भी खतरनाक लोकेशन पर जाऊंगा ना तो मेरे को एक ही चीज का डर खाता है, वो है अपने पेट का, मतलब जो अपन डायनासोर वहां पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो मर गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसके अंदर क्या है, मैं वापस से ना ये सारी की सारी चीजें क्राफ्ट कर लूंगा। ओ भाई साहब, एक तो हमारी भागने की स्पीड भी ना इतनी ज्यादा हो गई, पहले ये चेक करता हूँ लेवल अप होने के लिए और कितनी ज्यादा अपने को टाइम लगने वाला है। यहाँ पर अगर देखोगे तो बस ऑलमोस्ट लेवल अप जाएगा कुछ टाइम के अंदर। चलो यहाँ पर आ गए, तो अब बारी ऑसम स्पाई ग्लास को चालू करने की, और ऐसे ही उड़ता हूँ, कोई क्रिएचर मेरे को दिख नहीं रहे यहाँ पर। ओ भाई नहीं, ओ भाई दिक्कत हो गई थी अभी, राइट क्लिक से ना जूम इन जूम आउट होता है, और मैं राइट क्लिक करते ही रिमोट बंद कर दिया। खैर चलो
इसको ये कर देते, ये दिक्कत है ना, तो एक काम करता हूँ इसको अंदर रखते और अब देखते। ओ भाई साहब 99 इसकी हेल्थ है, और डायनासोर के नाम तो मेरे को दूर से ही दिख जा रहे हैं कि कौन सा वाला डायनासोर कितने लेवल का है, क्या है टॉर्प और इसका कितना है, सारी की सारी चीजें मेरे को यहीं से शो हो जा रही है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और इसको टेम करने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी, वो सारी की सारी चीजें भी यहाँ पर अपने को शो हो जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। मेरा तो दिल खुश हो गया ऑसम स्पाई ग्लास बनाकर। सबसे बढ़िया फीचर तो मेरे को इसका ये लग रहा है कि इसको ना हम एकदम बढ़िया तरीके से जूम कर सकते हैं, किधर भी देख रहे हो इतनी ज्यादा दूर का डोडो भी अपने को यहाँ पर शो हो जा रहा है। और इसके साथ में उसकी हेल्थ कितनी है, कौन सी बेरी खाएगा, किससे टेम होगा, कितना लेवल है, हर एक चीज एकदम दूर से और वो भी एकदम आसानी से शो हो जा रहा है। और अगर लेफ्ट साइड में देखोगे टॉप में तो अपने को अपनी लोकेशन भी शो हो रहा है, पूरी की पूरी लोकेशन, मतलब अभी हम किस लोकेशन पर है, सारे के सारे नंबर्स शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या मैं जा नहीं सकता के नीचे? हर जगह जा सकता हूँ मैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि पानी के अंदर के भी जानवर दिख जा रहे हैं अब हमको। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, वो ये है कि मैं बंद कर दूंगा यहाँ पर अपना जेट पैक को। ओ भाई साहब, और पानी के अंदर अपने जेट पैक को मैं ऑन नहीं कर सकता। चलो बढ़िया बात है। चलो तो आ चुके हैं हम अपने घर, तो वो सारी की सारी चीजें तो हो गई, अब बारी है थोड़े से और एडवांस चीजों को बनाने की। सबसे पहले अगर बताऊं ना तो अपने को बनाने काफी सारे पंप। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये है पंप टेबल, ये स्टोन पंप, ये क्ले पंप, ये मेटल पंप, इसको भी कर लेता हूँ अनलॉक, ये क्रिस्टल पंप, ऑब्सिडियन पंप, ऑयल पंप, और ये एक पता नहीं एक और 95 लेवल पर पंप है, जो कि 95 लेवल पर जाने के बाद में ही पता चलेगा। तो सबसे पहले ना रिसोर्स पंप बना लेते हैं, एक मतलब टेबल, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ना उसी के ऊपर बनेगी। तो पंप को लगा देते हैं हम कुछ इस साइड से, ठीक है। और यहाँ पर चेक करते हैं कि अब स्टोन पंप बनाने के लिए अपने को क्या क्या चीजों की नीड है। 400 पत्थर चाहिए, 100 लकड़ी चाहिए, 150 ऑयल चाहिए, 250 इंगट चाहिए, 150 हाइट चाहिए, 200 सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए। तो धीरे धीरे करके ना पहले सारी की सारी चीजें रखते हैं। 200 सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए तो ये 100 और ये 200, तो पहले 200 सीमेंटिंग पेस्ट रख दिया। हाइट और मेटल इंगट चाहिए तो अपने पास में यहाँ पर मेटल इंगट काफी ज्यादा रखा हुआ है, तो ये ले लिया मेटल इंगट, इसको रख देते है यहाँ पर। थोड़ा सा हाइट भी रख दिया, अब हाइट यहाँ पर और है या नहीं ये पता नहीं, चेक करना पड़ेगा या फिर जा करना थोड़ा सा खून खराब करके आना पड़ेगा। और उसके साथ में यहाँ पर मैंने देखा काफी सारा मेटल जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। यार ये बहुत ज्यादा वेट हो गया ना मेरा, एक काम करता हूँ इसका स्टैक हाफ करके ना आधा यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ और आधा रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 136 इंगट्स ऑलरेडी बनकर रेडी हो चुके हैं, तो बचा कुछ अभी ना मेटल सारा का सारा हम वहाँ पर रख देंगे ताकि इंगट्स बनते रहे। और फिर से मेरा वेट शायद काफी ज्यादा हो गया, इसको फिर हाफ करके लेके जाना पड़ेगा। चलो सारा का सारा सामान रख दिया वहां पर, जाकर ना थोड़ा सा हाइट लेके आता हूँ। वैसे इनमें से किसी के पास तो हाइट होना चाहिए, इसके पास तो वुड है। बेटा तेरे पास में हाइट है तो दे दे थोड़ा सा। वैसे तेरा लेवल अप हो गया है, ओ भाई 8 लेवल अप हुआ इसका, तो 3 इसकी बढ़ा देता हूँ हेल्थ, 2 इसका स्टेमिना और 3 इसका मिली डैमेज, ठीक है 137 लेवल का हो गया ये। तो यहाँ पर किसी के भी पास हाइट नहीं है ना, मैं काम करता हूँ आरजे पर जाकर ना किसी का शिकार करता हूँ और उसको मार तोड़ करना हाइट लेके आता हूँ। हेलो प्यारी डोडो, कैसी है? बढ़िया है, बढ़िया है ना, चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तू कैसी है? तू भी बढ़िया है, चल ठीक है, तू भी बढ़िया है। और कोई है? ये तो काफी ज्यादा बढ़िया होना चाहिए भाई, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। कहाँ भाग रहा है बेटा, कहाँ भाग रहा है? सामान देता जा चुपचाप से। और लेवल अप हुआ है आरजे का, तो एक काम करता हूँ इसका ना मिली डैमेज और काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता हूँ। भाई सामान दे, सामान देता जा, सामान देता जा, सामान नहीं छोड़ना, सामान देता जा भाई साहब तू। अब चलते हैं इस वाले जंगल में, यहाँ पर तो कोई ना कोई मिल ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर मिल गया, थोड़ा सा बढ़िया वाला था। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। वैसे कितना हाइट हो गया है हमारे पास में? 76। चलो थोड़ा सा और कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं बस जा रहा था, मेरे को इधर ही एक जेली फिश नजर आ गई, जिसको मैं अगर उठा लूँ पानी के बाहर। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये तो गलत सीन हो गया, ये गलत सीन हो गया थोड़ा सा। आजा आजा नजदीक आजा, आता जा आता जा आता जा आता जा। ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो।
ओह नो, बहुत अच्छी बात है। ए कम हियर, अबे इधर आ। अरे यार ये आते आते क्यों नहीं आया। वैसे शार्क ऑलमोस्ट हम पर अटैक कर चुकी थी, बस ये छोटी सी दीवार यहाँ पर लग गई जिसकी वजह से हम बच गए। बैठा बैठा अपने पे, तो अब चलते इस साइड में क्योंकि बैक साइड में ना कुछ खास डायनो मिले नहीं, तो इस वाली जगह पर काफी सारे डायनोज होते, तो यहाँ पर से ना सारे के सारे रिसोर्सेज लेता हूँ और एक स्टोन वाली मशीन फटाफट से बनाते है। चलो तो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर जमा दियो, अब यहाँ पर चेक करते है, अभी और कोई चीज की नीड नहीं है ना, तो फटाफट से इसको क्राफ्ट करते है। और मेरे को ये चेक करना है कि इसको स्टोन वाली जगह पर ही रखना है या फिर मैं इसको किधर भी प्लेस कर सकता हूँ, बस वो चीजें चेक करनी है। और अभी मेरे पास में अगर वेट देखोगे ना तो काफी ज्यादा हो चुका है, तो एक काम करता हूँ मैं फटाफट से ना इसको ऑन करके इससे थोड़ा सी स्पीड में चलते है। और इसको मैं कहाँ पर प्लेस करूँ, वैसे मेरे को नहीं लगता इसको पत्थर वाली जगह पर रखने की जरूरत पड़ जाएगी, मगर खैर देखते जो भी हो। तो मशीन को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सेट करता हूँ और इसको लगाते हैं हम कुछ इस साइड में। भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसको चलाने के लिए क्या हमको इलेक्ट्रिसिटी की वो सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी? पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की शायद से जरूरत पड़ सकती है। और स्टोन पंप को एक काम करता हूँ, स्टोन पंप को मैं इस साइड में लगाता हूँ क्योंकि बाय चांस कभी टेम करने के लिए वाली जगह पर वैसे अभी तो जरूरत नहीं है। वो वाली चीज को अपन अपने घर के लिए यूज कर सकते है जो अपन ने पहले ट्राइक को और दूसरे डायनासोर को टेम करने के लिए बनाया था। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ कुछ यहाँ पर और ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। और इसकी इन्वेंटरी के अंदर अगर जाऊंगा तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 3 पत्थर ऑलरेडी, 5 पत्थर, मतलब ये सारी की सारी चीजें मेरे को बस बनाकर यहाँ पर लगा देनी है और फिर अपना टेंशन खत्म हो जाएगा। ये बस मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पर लगा, मतलब ऑब्सीडियन क्ले और ये सारी की सारी मशीन अब अपन एकदम आसानी से बना सकते हैं। अभी चेक कर दो एक बार इसके अंदर कितना सारा पत्थर आ गया है। तो भाई 13 पत्थर इसके अंदर आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं, बस ये पंप को लगा और ये काम किए जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। अब जो भी हमको चीजों की जरूरत पड़ेगी, देख रहे हो 19 पत्थर भी हो गए, जो भी हमको चीजों की जरूरत पड़ेगी बस हम ऐसे पंप बनाकर लगा देंगे और वो काम करते रहेगी। ये तो रिसोर्सेस का अपना टेंशन पूरी तरह से अब हो जाएगा खत्म। मगर इसको बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत लग रही है ना वो काफी 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 ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने स्टोन पंप लगा दिया जिसके लिए इनग्रीडियंट्स देख रहे हो कितने सारे लग रहे हैं। ये तो स्टोन हो गया, इसके बाद में मेरे को बनाना है अभी क्ले पंप। मगर क्ले पंप बनाने के लिए 400 क्ले की जरूरत है और मेरे को पता नहीं क्ले कैसे बनता है, खैर वो तो हम फिगर आउट कर लेंगे। और उसके बाद में बनाऊंगा मेटल पंप जिससे हमको अनलिमिटेड मेटल मिलता रहेगा, तो अपना टेंशन खत्म हो जाएगा फिर मेटल का और कोई भी चीजों का। और क्रिस्टल का भी मैं एक पंप बना लूंगा। और ये सारी की सारी पंप बनाने के लिए, मतलब जो रिसोर्सेज अपने पास में ऑलरेडी है बस उसकी तादाद ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सीमेंटिंग पेस्ट 400 चाहिए, थोड़ी मेहनत लगेगी मगर हम सीमेंटिंग पेस्ट आसानी से बना सकते हैं। क्रिस्टल भी, इंगट भी, इंगट तो 500 चाहिए, ऑयल भी चाहिए भाई, मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए। उसके बाद में ऑब्सीडियन भी, ऑयल भी, तो अपना झंझट खत्म हो जाएगा। मेरे को सिर्फ एक ही चीज का टेंशन होता है, ऑयल का, क्योंकि ऑयल पानी से जाकर लेके आना बहुत 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 टफ पड़ता है। मगर उसका भी तरीका मैंने निकाल लिया हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट ऐसे गहरे समंदर में नहीं जा रहा, मैं छोटी छोटी जगह पर जा रहा हूँ, छोटे छोटे कॉर्नर में जा रहा हूँ जहां पर मेरे को ऑयल मिल जा रहा है और मैं वहीं से बटोर के लेके आ रहा हूँ, एकदम गहरे समंदर में बिल्कुल नहीं जा रहा। तो ये पहला पंप तो हमने लगा दिया, अब धीरे धीरे करके ना जब हम अपना पक्का वाला बड़ा बेस बनाएंगे तब हम काफी सारे पंप्स ऐसे लगा देंगे और फिर हमारा चीजों का टेंशन हो जाएगा पूरी तरह से खत्म। भाई 76 पत्थर बनकर रेडी हो गया। और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने को लकड़ी का जुगाड़ करते रहना पड़ेगा, वो भी हम कर लेंगे क्योंकि ऐसे बड़े बड़े डायनासोर फिर ये काम में क्या आएंगे बताओ। ये तो एक झटके में आसानी से हम चीजों को तोड़ देंगे। यार ये सारी की सारी चीजें अगर मैं पहले बना लेता तो दिक्कत ही नहीं थी भाई, सारी की सारी चीजें अगर हम पहले बना लेते तो फिर तो टेंशन ही खत्म हो गया था अपना। रिसोर्सेस का मैं खामखा टेंशन लिए जा रहा था। खैर चलता हूँ मैं अब अपने पुराने वाले घर पर क्योंकि वहां पर भी जाकर देखना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। चलो तो धीरे धीरे करके हम अपने घर आ चुके हैं और सारी की सारी मशीनों को ना मैं एक तो यहाँ पर सेटअप करूंगा या तो जहाँ हमारा ओल्ड वाला बेस अभी हमने जिधर बनाया ना वहां पर ही सेट कर देंगे क्योंकि वहां पर खतरनाक वाले डायनोस का काम है नहीं तो दिक्कत होती नहीं है। फिर यहाँ पर ना वो चीजों को टूटने का थोड़ा सा टेंशन होता है हमको बस, क्योंकि कभी भी कोई भी डायनासोर यहाँ पर अटैक कर दे। खैर इतनी बड़ी फौज है हमारे पास में, भाई मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि अब हमको इतने सारे रिसोर्सेज बार बार जमा करने का टेंशन नहीं रहेगा। हम ये मशीनें ना मैं ऑफलाइन एक काम करता हूँ, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और ये सारी की सारी मशीनें मैं बनाता हूँ और इसको लगा देता हूँ, फिर चेक करेंगे हम हर थोड़े टाइम में कि कितने कितने रिसोर्सेज अपने को ये दे रहा है। तो बाकी की सारी चीजों को मैं अगले एपिसोड
में कंटिन्यू करता हूँ। तो बस फिर आज के एपिसोड को इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पर, एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर चेकआउट करो। मैं सेकंड चैनल पर भी बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और काफी बढ़िया बढ़िया सीरीज इस चैनल के ऊपर आना अभी बाकी है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो दीवार पर कुछ तो रेड रेड चिपका हुआ है यार। सारी की सारी चीजें अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।